Hello dear brothers and sister, good morning, welcome to my class. I am here the speaker KP sir. Today I will teach you a very important point which will help you in any kind of examination. It is important for different kind of examination. It is important for student also, as well as especially it is important for the upcoming TET examination. So LP school TET, high school TET, higher secondary TET and high school TET, anywhere it is important. So let us start today's class. Aaj ka class ye hai ki sentence correction, error of the sentence correction. Aaiye hum yahan dikhate hain correct the error of the following sentences. उसमें दिया गया है क्या? Correct the error of the following sentences. उसमें कुछ sentence दिया हुआ है. लेकिन ये जो sentence दिया हुआ है, इस sentence में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है? Mistake है. उस mistake को हमें correct करना है. यानी कि यह जो कुछ sentence दिया गया है, इस sentence में से mistake को correct करके हमें सही रूप में सही सेंटेंस को लिखना है. उसी को करते हैं करेक्ट द एरर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि मिस्टेक को हटा के हमें सही रूप में लिखना है. उसी को कहते हैं एरर करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन और एरर करेक्शन, यानी कि गलतियों को ढूंढना है और हमें सही सेंटेंस को लिखना है. सम कॉमन सेंटेंस आई एम गिविंग हियर व्हिच वी स्पीक एवरी डे डे टू डे लाइफ एंड इट्स कम इन डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यूजुअली. ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आते ही है, इसलिए आज देखो हम क्लियरली उसको समझने के लिए कोशिश करें. यह कहे दिस हार्ट इज माय, वेरी सिंपल सेंटेंस. देखिए दिस हार्ट इज माय, ये हार्ट यानी कि झोपड़ी घर मेरा है. लेकिन उसमें करेक्शन करने से क्या होगा? देखो मैं यहां लिख रहा हूं, देखना ध्यान से लिखना. दिस हार्ट इस माय नहीं होता है, क्या होता है? माय. ये देखो करेक्ट हो गया. क्या था? दिस हार्ट इज माय था, लेकिन हमने क्या कर दिया? दिस हार्ट इज माय. अब जाकर ये क्या हुआ? करेक्ट हुआ. पहले क्या था? मिस्टेक था. ठीक है, उसी को कहते हैं एरर करेक्शन. एरर यानी कि मिस्टेक, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है जिसको हमें करेक्ट करना है. चलो नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं. ठीक है, अभी तक तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी टाइम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपको भी मेरे क्लास के जरिए मदद मिल रहा है और मैं चाहता हूं कि आपके दोस्तों को भी ये मदद मिले. ए मैन इज मोर्टल, ए मैन इज मोर्टल, द मैन इज मोर्टल कभी भी नहीं होता. डायरेक्टली हमें क्या लिखना होता है? मैन इज मोर्टल, हमेशा याद रखना. कभी कभी क्या आता है? ए मैन इज मोर्टल मिस्टेक है. कभी कभी वह आएगा क्वेश्चन में द मैन इज मोर्टल, ए मैन इज मोर्टल भी नहीं होता है, द मैन इज मोर्टल भी नहीं होता है. डायरेक्टली होता क्या है? मैन इज मोर्टल, मोर्टल पहले मिस्टेक था, अब ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया. ठीक है, अभी देखो ही इज ए एम ए, वो एम ए है, मास्टर ऑफ आर्ट. लेकिन उसमें प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ है? फाउल जैसा, एम ए बोलने में फाउल जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए उसमें ए नहीं होगा. ही इज ए एम ए, वह क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, ही इज उसमें क्या होगा? एम एम ए, एम एम ए. अब जाकर क्या हुआ है? ये करेक्ट हुआ है. ठीक है, लेकिन सेंटेंस करेक्शन करने में ये राइट टिक देना नहीं चाहिए. मैं अभी समझा रहा हूं इसलिए बोला. पहले क्या था? रॉन्ग था, ही इज ए एम ए था, लेकिन करेक्ट क्या होगा? ही इज ए एम ए. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते. डॉग इज फेथफुल एनिमल, ये जो डॉग है कुत्ता है वो फेथफुल एनिमल है. लेकिन सभी डॉग के बारे में बोलना है, सिर्फ आदमी को समझाने के लिए उसके आगे आर्टिकल यूज नहीं होता है. लेकिन उसको छोड़ के, आदमी जात को छोड़ के जितना भी कुछ जात होता है, जीव होता है, उसको पूरा का पूरा जात के बारे में समझाने के लिए द आर्टिकल यूज किया जाता है. इसलिए डॉग इज फेथफुल एनिमल नहीं होगा, क्या होगा उसमें? द डॉग, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, द डॉग इज
fed food. The dog is fed food anywhere. Anywhere. Yeah, देखो. The dog is fed food anywhere. Don't make a noise. Next क्या दिया गया है? Don't make. हाँ देखो मैं जो बोल रहा हूँ तो अभी भी correct ही आ गया देखो मुंह से. Don't make noise है. लेकिन उसमें क्या होगा? Don't make a noise. तो अब जाकर correct होगा. Don't make a noise. अब देखो ये भी क्या हो गया correct. ये भी क्या हो गया correct. अभी देखो गंगा इज ए होली रिवर. बड़े बड़े रिवर के नाम के आगे द आर्टिकल यूज किया जाता है. मैं आर्टिकल क्लास में भी सिखा चुका हूं. गंगा इज ए होली रिवर. तो गंगा इज ए होली रिवर मिस्टेक है. क्या होगा तो करेक्ट क्या होगा? द गंगा. द गंगा इज ए होली. द गंगा इज ए होली रिवर. द गंगा इज ए होली रिवर. गंगा एक पवित्र नदी है. ठीक है. ही इज काइंड टू पूर. क्या है वो सेंटेंस? ही इज काइंड टू पूर. गरीब के ऊपर उसका क्या है? काइंड है. तो कार्य क्या होगा? देखो मैं दिखा रहा हूं. ही इज काइंड टू पूर है ना उसमें. लेकिन उसमें डा आर्टिकल यूज करना है. He is kind to poor है उसमें. ध्यान से देखो. He is kind to poor. लेकिन he is kind to poor नहीं होगा. He is kind to the poor. पूरा poor के ऊपर ये देखो. अभी ये क्या हो गया? Correct. ये भी क्या हो गया? Correct. अभी देखो next sentence. He is my older brother. वो मेरा बड़ा भाई है. He is my older brother. लेकिन he is my older brother नहीं होगा. He is my इल्डर ब्रदर होगा. इल्डर ब्रदर. ही इज माय इल्डर ब्रदर. वो मेरा बड़ा भाई है. ओल्डर ब्रदर नहीं है, बड़ा भाई है. देखिए आप लोग देख रहे हो मैं एडिटिंग सिखा रहा हूं. मेरा कोई एडिटिंग नहीं होता है, फिर भी आप लोग मेरे वीडियो देखते हो क्योंकि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता है. और ऐसे ही आप लोग मेरे क्लास को देखते रहिए. आप लोग भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दीजिए. इसलिए जितना हो सके मेरा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए. अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. दिस इज ए न्यूज टू मी. क्या है? दिस इज ए न्यूज टू मी. देखो वह मिस्टेक हो रहा है, लेकिन कहां मिस्टेक हो रहा है मैं अभी दिखाऊंगा. देखो दिस इज क्या होगा? न्यूज टू मी. दिस इज न्यूज टू मी. अभी देखो मिस्टेक कहां हो रहा था? मैंने करेक्ट लिख दिया. यह क्या था? दिस इज ए न्यूज टू मी. ये जो ए न्यूज था ए नहीं सही. दिस इज न्यूज टू मी ये करेक्ट है. ठीक है. वी आर डूइंग करेक्ट द एरर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. एरर करेक्ट कर रहे हैं यानी कि मिस्टेक को ढूंढ के हम सही रूप में लिख रहे हैं. हार Hairs are black. उसका जो हेयर से वो ब्लैक है. तो करेक्ट क्या होगा? देखो हार हेयर ये क्या है कि काउंटेबल नाउन है. हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. हेयर काउंटेबल जैसा लगता है लेकिन अनकाउंटेबल है. इसलिए अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता. इसलिए क्या होगा? हार हेयर. और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है? इस होता है. आर नहीं होता. अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है? इस. और काउंटेबल नाउन लेकिन प्लूरल हो तो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल है फिर भी उसके साथ क्या होगा? इस होगा. लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर उस प्लूरल फॉर्म होने से क्या होगा? आर होगा. ठीक है. इसलिए वहां क्या होगा? ये प्लूरल है लेकिन अनकाउंटेबल है इसलिए इस हो रहा है. हर हेयर इज ब्लैक. हर हेयर इज ब्लैक. ये देखो हो गया. ठीक है. नेक्स्ट The news are true. ये देखो the news are true. अभी मालूम ही हो गया. The news is true. मैं अभी बोल ही चुका था थोड़ी देर पहले कि उसमें is होगा. The news is true. The news is true. ये हो गया. He bought some furniture. ये furniture जो होता है
अनकाउंटेबल फॉर्म होता है इसलिए उसके पीछे एस यूज नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, he bought some furniture. ये जो फर्नीचर वर्ड है उसके पीछे एस यूज नहीं होता है, सिर्फ ये याद रखना, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। फर्नीचर के अंडर कितना लिमिट है वो हमको मालूम नहीं है, जैसे कि फर्नीचर बोले टेबल चेयर अलमीरा इजन इट, बहुत कुछ होता है, कितना चीज होता है फर्नीचर के अंदर, ये लिमिट नहीं है, इसलिए फर्नीचर वर्ड क्या होता है कि अंदर। लेकिन टेबल काउंटेबल है, चेयर काउंटेबल है, ठीक है, चेयर भी एक फर्नीचर है, टेबल भी एक फर्नीचर है, लेकिन टेबल काउंटेबल है, चेयर काउंटेबल है, लेकिन फर्नीचर वर्ड अनकाउंटेबल है, ठीक है। ही बॉट सम फर्नीचर, उसमें एस नहीं आएगा। हु डू यू वांट टू सी तुम किस को देखना चाहते हो, Who do you want to see नहीं होगा, उसमें क्या होगा whom, who के बदले क्या होगा whom, यू ही बोल हो रहा था उसको करेक्ट करेंगे, whom do you want to see, who do you want to see, who do you want to see था, अब क्या हो गया करेक्ट, whom do you want to see, ये सब करेक्ट है, ठीक है, मिस्टेक था हम करेक्ट कर रहे हैं। टेल मी हु यू मेट, एक ही सेंटेंस जैसा है, टेल मी हु यू मेट, किसको मिला था, हम यहां लिखेंगे टेल मी हुम यू मेट, मुझे बताओ किसको मिला था, ये करेक्ट हो गया। देखो अब देखो, आई सो एन वन आईड मैन, ये जो वा प्रोनाउंसिएशन होता है तो क्या होता है, एन नहीं होके एन होता है, तो करेक्शन क्या होगा, I saw a one, ये फावेल उठे हुए भी a हो रहा है क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन वा हो रहा है, वो आर्टिकल के रूल में मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। I saw a one-eyed man, मैं एक आंख वाला आदमी देखा था, यही है क्या है कि error correction, मतलब गलतियां था, हम गलती को सुधार के सही रूप कर दिया, उसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। फाइनली अगेन आई वांट टू टेल यू, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लर्न द इंग्लिश एंड सॉल्व द इंग्लिश प्रॉब्लम्स, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।